राजस्थान के भूगोल में अगला भाग डिस्कस करेंगे, जैव विविधता संरक्षण की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास। इस टॉपिक पर यह अंतिम वीडियो लेक्चर होगा और इसी के साथ इस पर कंप्लीट जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। सबसे पहला है भालू संरक्षण केंद्र, बियर कंजर्वेशन रिजर्व। भालू के संरक्षण के लिए और उसे बचाने के लिए राजस्थान राज्य में पहला भालू संरक्षण केंद्र खोला गया है 20 जुलाई 2010 को और इसे आरंभ किया गया है जालौर और सिरोही जिले के मध्य में स्थित सुंदा माता पर्वत क्षेत्र और जसवंतपुरा की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र। तो जसवंतपुरा और सुंदा माता क्षेत्र में राज्य का पहला भालू संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट लेपर्ड, लेपर्ड यानी तेंदुआ। तो तेंदुए को बचाने के लिए भी राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ प्रयास इस दिशा में किए गए हैं। सन 2017-18 में ही राज्य सरकार ने 8 वन्य जीव अभ्यारण्य और कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण क्षेत्रों में तेंदुए को बचाने का अभियान आरंभ किया है। ध्यान रखेंगे 8 क्षेत्र हैं जहां प्रोजेक्ट लेपर्ड को वर्ष 2017-18 में आरंभ किया गया है। पहला है जैसमंद अभ्यारण उदयपुर में, बस्सी अभ्यारण चित्तौड़ में, शेरगढ़ अभ्यारण बारां जिले में, कुंभलगढ़ और टाटगढ़ रावली अभ्यारण उदयपुर रायसमंद के बीच का क्षेत्र, माउंट आबू सुंदा माता पर्वत क्षेत्र ये अभ्यारण है, जालौर और सिरोही के बीच का हिस्सा है, झालाना कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर में, खेतड़ी में बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व है झुंझुनू में, और जवाई कंजर्वेशन रिजर्व पाली जिले में। तो ये 8 क्षेत्र हैं जहां तेंदुए को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट हाल ही में आरंभ किया गया है। इसमें से क्वेश्चन अभी पूछा गया है, निम्न में से किस जिले में या किस क्षेत्र में प्रोजेक्ट लेपर्ड आरंभ नहीं किया गया है, तो देन ये आपको याद करने होंगे। अगला प्रयास है संरक्षण क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व IUCN की श्रेणी 5 के तहत बनाए जाते हैं और इसका अर्थ होता है नेशनल पार्क और अभ्यारण के बाहर का क्षेत्र जहां कभी कभार जानवर इस क्षेत्र में आ जाते हैं और तब उनके जीवन को लेकर के एक संकट उपस्थित होता है क्योंकि आसपास मानव आबादी है और मानव आबादी इसको नुकसान पहुंचाती है। तो इसी दिशा में राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारण के आसपास के क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया जाता है ताकि वहां पर ऐसी गतिविधियां आरंभ की जा सकें कि इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो राजस्थान में कुल 11 कंजर्वेशन रिजर्व 2017 तक बनाए जा चुके हैं और कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जाने का फैसला सन 2008 में किया गया था। तो पहला कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में बनाया गया बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक जिले में और यह बनाया गया है अक्टूबर 2008 में। ध्यान रखेंगे राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बीसलपुर टोंक में अक्टूबर 2008 में बनाया गया है। उसके बाद जोड़बीड बीकानेर में, गुढ़ा बिश्नोई जोधपुर में, सुंदा माता पर्वत क्षेत्र सिरोही और जालौर के बीच का हिस्सा है, गोगेलाब प्लस रोटू नागौर में है दोनों, जवाई पाली में, उम्मेदगंज कोटा में, बीड झुंझुनू साकंबरी झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र और बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू का क्षेत्र। तो ये 11 संरक्षण क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व हैं। सबसे नया जो 1 मार्च 2017 को बनाया गया बांसियाल खेतड़ी झुंझुनू में, यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है
कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो सबसे पहला और सबसे नया आपको याद रखना होगा, जैव विविधता अधिनियम। भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए सन 2002 में एक एक्ट अधिनियम बनाया जो 2003 से लागू हुआ, और इस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने एक जैव विविधता प्राधिकरण बनाया जिसका मुख्यालय चेन्नई में रखा गया, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है जो भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या फिर किसी आईएफएस ऑफिसर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी अधिनियम के तहत भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इस दिशा में अधिनियम या नियम बनाने का निर्देश दिया। तब राजस्थान सरकार ने इसी अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम बनाए 2 मार्च 2010 को। तो यह क्वेश्चन आ चुका है, राजस्थान राज्य जैव विविधता नियम 2 मार्च 2010 को बनाए गए, और इन नियमों के तहत भारत सरकार के इस कानून का पालन किया गया। इन नियमों के तहत ही राजस्थान सरकार ने एक संस्था बनाई, एक अथॉरिटी बनाई, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, और इसका गठन किया गया 14 सितंबर 2010 को। इसका अध्यक्ष बनाया जाता है किसी सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का हो, मुख्य सचिव रैंक का हो, अथवा राज्य सरकार में सीनियर मोस्ट आईएफएस ऑफिसर हो, उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसी बोर्ड के निर्देशन में सभी जैव विविधता संरक्षण के कार्य किए जाते हैं। इसी बोर्ड ने भारत सरकार से परामर्श करने के पश्चात 5 स्थलों को राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चयनित किया है। तो राजस्थान में 5 जैव विविधता विरासत स्थल हेरिटेज साइट बनाए जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया जा चुका है। तो ये 5 स्थल चुने गए, केवड़ा की नाल और रामकुंडा, ये दोनों उदयपुर में है, नागपहाड़ ये अजमेर में है, छापोली मनसा माता अभ्यारण ये झुंझुनू में है, और ओकलबुड फॉसिल पार्क या जैसलमेर में। तो यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थलों की सूची पर। अगला है भालू बचाव केंद्र, बियर रेस्क्यू सेंटर। भारत का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर जयपुर के नारगढ़ अभ्यारण्य में आरंभ किया गया है। नारगढ़ अभ्यारण्य में पहले से ही टाइगर और लॉयन रेस्क्यू सेंटर बनाए जा चुके हैं। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जहां एक साथ लॉयन, टाइगर और बियर को रेस्क्यू किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में जैव विविधता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जानकारी है, उसे हम इस रूप में डिस्कस करेंगे। और यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। पहला है कुरजा पक्षी। कुरजा पक्षी माइग्रेटरी बर्ड है, प्रवासी पक्षी है, जो रूस, उक्रेन और कजाकिस्तान से चलकर राजस्थान आता है। इसका वैज्ञानिक नाम है डेमोसिल क्रेन। कुरजा पक्षी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है, लेकिन पश्चिमी भाग में भी मुख्यतः यह जोधपुर के खींचन गांव में मिलता है। खींचन गांव जोधपुर जिले की फलौदी तहसील में है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, कुरजा पक्षी इसका वैज्ञानिक नाम और कहां पर यह पाया जाता है। हीरामन तोता, जिसे टुइया तोता या गागरोनी तोता भी कहा जाता है, यह पाया जाता है झालावाड़ क्षेत्र में और मुख्यतः दर्रा अभ्यारण्य में। हरे कबूतर ग्रीन जो पिजन है, यह अजमेर के पुष्कर क्षेत्र में और नागौर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो हरे कबूतर का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। सुनहरा त्रिकोण, गोल्डन ट्राइंगल,
जयपुर, आगरा और दिल्ली के रूट को गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिकोण कहा जाता है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य, जहां पर साइबेरियाई क्रेन बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। साइबेरिया क्षेत्र जो रूस के ऊपर है, वहां से चल करके सर्दियों के मौसम में प्रजनन हेतु यहां पर आता है। ऊंट, ऊंट को हाल ही में 2014 में राज्य सरकार ने राज्य पशु का दर्जा प्रदान किया है। तो 2014 में एक साथ दो जीवों को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। चिंकारा को वन्य जीव श्रेणी में पशु माना गया है, जबकि इसे सामान्य कैटेगरी में राज्य पशु घोषित किया गया है। और ऊंट को बचाने के लिए ऊंट पशु वध निषेध अधिनियम 2014 भी पास किया गया है, और इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलस। घास, घास पर भी क्वेश्चन आता रहता है। राजस्थान में विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, सेवन घास। सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है लसी यूरोस सिडिकुस, इसे लीलोन घास भी कहा जाता है। और यह पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः जैसलमेर क्षेत्र में। इसी प्रकार धामण घास भी पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इन दोनों घासों की विशेषता है कि इनमें फाइबर यानी फाइबर प्रोटीन बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो प्रोटीन का और फाइबर रेशे का सबसे बड़ा स्रोत मानी जाती है दोनों घास। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में कुछ सुगंधित घास भी पाई जाती हैं, और ये घास के नाम हैं मोतिया, सुगनी, बूर, ओलेबरी एवं फोग। ये क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया है मोतिया, सुगनी और बूर क्या हैं? घास की प्रजातियां जो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं। बटरफ्लाई बैली, बटरफ्लाई बैली राजस्थान में आरंभ की गई है जयपुर के स्मृति वन में। तो जयपुर में जो स्मृति वन खोला गया है झालाना क्षेत्र में, वहीं पर बटरफ्लाई बैली को आरंभ किया गया है। चीतल, चीतल एक विशेष प्रकार का हिरण है जो मुख्यतः उदयपुर के सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। इसके अलावा यह पश्चिमी राजस्थान के कई अभ्यारण्यों क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन उदयपुर का सीता माता अभ्यारण्य इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। रोजड़ा या नीलगाय एंटीलोप प्रजाति का जीव है, और यह राजस्थान में कृषिगत फसलों के लिए एक हानिकारक जीव माना जाता है। यद्यपि राज्य सरकार ने इसके पशुवध पर रोक लगाई है। गेट बेल एक दुर्लभ प्रजाति की बतख है, और यह साइबेरिया क्षेत्र रूस चीन से चल करके राजस्थान आती है। तो गेटबेल नामक बतख राजस्थान में पाई जाती है अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में। चौहटन क्षेत्र, चौहटन क्षेत्र बाड़मेर जिले में है, और यह पूरे राज्य में गोंद या गम के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बीड, बीड क्या है क्वेश्चन पूछा गया है इस पर। राजस्थान में घास के मैदान और घास के चारागाह को स्थानीय भाषा में बीड कहा जाता है, और इनमें जो जीव जंतु रहते हैं, शरण पाते हैं, जहां उनकी शरण स्थली बनी हुई है, उसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है ओरण, शेल्टर प्लेस। बाघ पुनर्स्थापन योजना, टाइगर ट्रांसफर स्कीम। तो राजस्थान में बाघ पुनर्स्थापन योजना सन 2008 में आरंभ की गई है। इसका अर्थ यह है कि रणथंभौर में बाघ की तादाद काफी अधिक है, जबकि अन्य बाघ क्षेत्रों में संख्या ना के बराबर है। इसलिए 2008 में निर्णय लिया गया कि रणथंभौर से कुछ टाइगर को शिफ्ट किया जाएगा सरिस्का
अलवर क्षेत्र में। तो ध्यान रखेंगे बाघ पुनर्स्थापन योजना रणथंबोर से सरिस्का अलवर में बाघों के ट्रांसफर की स्कीम है। चीता पुनर्वास केंद्र चीता रिहैबिलिटेशन सेंटर पहले यह मध्य प्रदेश के कूनो रिजर्व में बनाया जाना था लेकिन बाद में भारत सरकार ने इसे राजस्थान में शिफ्ट करने का फैसला किया और राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित सागड़ नामक स्थान पर चीता रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे यह क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय बांस मिशन नेशनल बैम्बू मिशन भारत सरकार ने बांस की खेती और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 2006-2007 में आरंभ किया था और राजस्थान के 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया है और 8 जिलों में कौन कौन से हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर राजसमंद प्रतापगढ़ चित्तौड़ बारां और सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखना है इन 8 जिलों में राष्ट्रीय बांस मिशन राजस्थान में चलाया जा रहा है। कैलाश सांखला जोधपुर के विद्वान हैं जो अब दुनिया में नहीं है। इनको भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। टाइगर को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था 1973 में उसके निर्माता सूत्रधार कैलाश सांखला ही हैं। इन्हीं के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया है। तो इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है इस दिशा में इसलिए इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। इन्होंने कई बुक लिखी हैं टाइगर टाइगर लैंड रिटर्न ऑफ टाइगर। और कैलाश सांखला की स्मृति में वन्यजीव संरक्षण के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयासों के लिए 50,000 रुपये का प्रतिवर्ष एक पुरस्कार भी राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सलीम अली भारत के पक्षी विशेषज्ञ वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया भारत के पक्षी विशेषज्ञ और भारत के बाघ विशेषज्ञ कैलाश सांखला। डॉक्टर सलीम अली का संबंध बंबई प्रेसिडेंसी या बंबई प्रांत से था और डॉक्टर सलीम अली भी अब दुनिया में नहीं है। इन्होंने भारत में पक्षी अभ्यारण या बर्ड सेंचुरी बनाए जाने की दिशा में बहुत बड़ा कार्य किया है। इन्हीं के दिशा निर्देशों के अनुसार भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान की स्थापना की गई है और उसमें एक रिप्रेजेंटेशन सेंटर इनकी स्मृति में खोला गया है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र नहीं पाए जाते हैं तो ये 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, अभी नहीं बनाया गया है, भविष्य में बनाया जाएगा इसका अभी केवल निर्णय लिया गया है। और यह कहां बनेगा? रणथंबोर और मुकुंद्रा हिल के बीच का जो क्षेत्र है इसे राजस्थान का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भविष्य में बनाया जाएगा लेकिन अभी 2018 तक कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। इसी प्रकार हॉटस्पॉट जहां पर जैव विविधता पाई जाती है और जैव विविधता संकटपूर्ण स्थिति में होती है वहां हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं लेकिन राजस्थान में एक भी हॉटस्पॉट नहीं है। और तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते क्योंकि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्स में आ चुका है। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, इसके स्थान पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर विश्व वन्य जीव निधि का सिंबल प्रतीक क्या है? जॉइंट पांडा। तो ये थी राजस्थान में जैव विविधता और वन संसाधन वाले टॉपिक पर कंप्लीट जानकारी। इसके बाहर कोई भी इंफॉर्मेशन शेष नहीं है। इस वीडियो लेक्चर के तुरंत पश्चात आपको एक लिस्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसे आप बाद में नोट करेंगे। उसमें यह बताया गया है कि राजस्थान सरकार के वन विभाग ने सभी 33 जिलों के लिए एक एक वन्य जीव या पक्षी को उस जिले का शुभंकर
मैस्कॉट घोषित किया है? ये क्वेश्चन भी दो तीन एग्जाम्स में आ चुका है। तो ध्यान, तुरंत वीडियो के पश्चात एक लिस्ट आपको दिखाई देगी और आप उसको वहां से पॉज करके नोट करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम राजस्थान के भूगोल पर कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।